हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया हुआ है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कॉर्ड ऑफ ए सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। मतलब क्या हुआ, एक सर्कल है और एक उसमें कॉर्ड दिया हुआ है ए बी, और कॉर्ड ए बी के एंड पे हम दो टेंजेंट बना रहे हैं पी ए और पी बी, और दोनों टेंजेंट पॉइंट पी पे जाके मिल रहा है। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को फिर से, प्रूव दैट द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज, ये दोनों टेंजेंट, प्रूव दैट द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कॉर्ड ऑफ ए सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। तो ये दोनों जो टेंजेंट्स है वो कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल बनाएंगे, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, एनी कॉर्ड, कैसा भी कॉर्ड हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन इन्फॉर्मेशन एक बार उसको लिख लेते हैं। गिवन में क्या दिया हुआ है, ए बी इज ए कॉर्ड, पी एंड पी बी आर टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ कॉर्ड ए बी, पी ए और पी बी टेंजेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम क्या करेंगे ओपी को जोड़ लेंगे, ज्वाइन ओपी एंड लेट ओपी इंटरसेक्ट ए बी एट एम। जो ओपी है वो ए बी को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको नाम दे देते हैं पॉइंट एम। हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, एंगल एम ए पी, एम ए पी इक्वल टू एम बी पी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इसको। तो काफ़ी सिंपल दिख रहा है, अगर दोनों ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर लें तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, और दोनों ट्राइंगल भी काफ़ी इजिली कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। इन ट्राइंगल एम ए पी एंड ट्राइंगल एम बी पी, दोनों ही ट्राइंगल में क्या है, एक तो पी ए इक्वल टू पी बी और पी एम इक्वल टू पी एम, ये तो हो गया कॉमन। और पी ए इक्वल टू पी बी का रीजन क्या हो जाएगा, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, काफ़ी बार यूज कर चुके हैं हम इस थ्योरम को। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे। और तीसरा क्या हो जाएगा, एंगल एम पी ए इक्वल टू एंगल एम पी बी, इसका रीजन क्या हो गया, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा, इसका रीजन ये देंगे हम, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट। क्या है ये, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट, विच लाइन सेगमेंट, दिस लाइन सेगमेंट। अगर एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं तो वो टेंजेंट जो सेंटर और उस पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट जोड़ रही है उस लाइन सेगमेंट पे इक्वली इंक्लाइंड होता है, आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल एम ए पी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल एम बी पी। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया, जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो देयरफॉर एंगल जो हमें चाहिए था, क्या चाहिए था, एंगल एम ए पी इज इक्वल टू एंगल एम बी पी, ये हो जाएगा सी पी सी टी। और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया बाई एस एस, एस ए एस से दोनों ट्राइंगल, ये साइड और इस एंगल का यूज हुआ है, तो एस ए एस से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस, ये दोनों एंगल इक्वल सी पी सी टी, और यही हमें प्रूव करना था। ये कंप्लीट हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।